आज समाज में वृद्धाओं की जो आश्रम है वृद्ध माताओं के और वृद्ध पुरुषों के, वो ज़्यादातर बढ़ रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, इसकी जांच करने के लिए आज हम पहुंचे हैं कृष्णा कुटीर। कृष्णा कुटीर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें लगभग 1000 माताओं के रहने की व्यवस्था है, पर इस समय 200 माताएं ही लगभग यहाँ रह रही हैं। और वृंदावन में बहुत सी जगह जो अनऑथराइज हैं वहाँ भी वृद्धाश्रम चल रहे हैं जहाँ कोई सुविधा नहीं है। हम यहाँ मिलते हैं इस परिसर की जो संचालिका हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ के विषय में। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शिल्पा मुरघई। आप यहाँ किस पद पे हैं? मैं यहाँ प्रशासनिक अधिकारी के पद पे हूँ। प्रशासनिक अधिकारी पे। क्या कारण है कि आज समाज में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या लगता है आपको? आज का जो हमारी संस्कृति है वो लोग भूलते जा रहे हैं जी, और जो लोग हैं बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं कि उनके माता पिता जो है वो उनको पाल नहीं पा रहे हैं, बच्चे जो है माता पिता को, तो वो इसलिए वृद्धाश्रमों में उनको छोड़ देते हैं। बट ये बहुत ही बड़ी हमारे समाज की विडंबना कह लीजिए या एक अभिशाप कह लीजिए जो आज के समय में हो रहा है। इस तरह हम बच्चों को अपने माता पिता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब एक माता पिता अपने 5-5 बच्चों को पाल सकते हैं तो एक बच्चा क्या इतने 5 बच्चे भी एक माता पिता को नहीं पाल सकते? तो ये समाज की हम इसे विसंगति ही कहेंगे और समाज का एक ये वो काला पहलू है जहाँ बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और वो फिर यहाँ वृद्धाश्रम में। अच्छा चलिए हम मानते हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में क्या कारगर कदम उठा रही है, यहाँ किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, उनके विषय में थोड़ा सा बताइए। सरकार ने बहुत अच्छा जो है वो घर जो है वो बनाया है कृष्ण कुटीर, बहुत 1000 महिलाओं को रहने की यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं जी। और ये किसी भी 5-स्टार होटल से कम नहीं है। यहाँ पे हर माता को अपना अपना एक बेड अलग से मिलता है, एक टेबल एक स्टूल अलग से दिया जाता है, सारे रूम्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, पूरी क्लीनलीनेस का ध्यान रखा जाता है, हर चीज़ हाइजीनिक है। और यहाँ माताओं को किचन, यहाँ हमारे मेस है, कुक लगे हुए हैं, माताओं को खुद से भी नहीं बनाना होता, वहाँ कुक लगे हैं, कुक अच्छा सा खाना माताओं को प्रोवाइड कराते हैं, तीनों टाइम खाना मिलता है, चाय दूध सब माताओं को, उसकी व्यवस्था कर रखी है गवर्नमेंट ने। और उसके बाद माताओं को कपड़ा, डेली नेसेसिटी की चीज़ें, ये सब चीज़ें यहाँ पर माताओं को सुविधाएँ देती हैं। इसके अलावा 500 रुपया पॉकेट मनी जो है वो सरकार की तरफ से माताओं को जेब खर्च के लिए भी दिया जाता है। अच्छा ये माताएं वृंदावन में जैसे हमने देखा है कि जगह जगह बहुत सी माताएं भीख मांगती हैं, भिक्षावृत्ति करती हैं, तो यहाँ जो माताएं हैं क्या वो इस तरीके के कार्य में लिप्त हैं? जी नहीं, हमारे यहाँ पे कोई एक भी माता ऐसी नहीं है जो बाहर भिक्षावृत्ति करती हूँ, यहाँ की माताएं संतुष्ट हैं और उनको यहाँ पे सब कुछ मिलता है। क्या क्या देते हैं आप सुविधा में, जैसे भोजन से लेके हम शुरू करें सुबह के नाश्ते से, तो थोड़ा सा हमें शेड्यूल बताइए। सुबह 6:30 बजे से माताओं को चाय मिलती है, चाय के साथ बिस्किट या रस वगैरह दे दिए जाते हैं। उसके बाद 9 बजे माताओं को नाश्ता मिलता है जो डेली चेंज होता है, ये नहीं कि एक ही तरह का नाश्ता दिया जाता है। उसके बाद उनको 12:30, 1 बजे के आसपास कह सकते हैं कि उनको खाना दिया जाता है जिसमें दाल रोटी सब्जी चावल और सलाद या पापड़ वो और जैसे भी रूटीन होगा मेन्यू के हिसाब से वो दिया जाता है। फिर 3:30 बजे अगेन चाय और साथ में कुछ नाश्ता दिया जाता है। फिर शाम को रात का खाना होता है जिसमें दलिया या खिचड़ी और रोटी सब्जी, और रात को सोने से पहले दूध भी दिया जाता है। अच्छा यहाँ जो माताएं रह रही हैं तो उनके परिजन भी कभी यहाँ उनसे मिलने आते हैं? उनके परिजन भी आते हैं मिलने के तो लिए। उनसे कभी आपने ये नहीं कहा कि इनको यहाँ वृद्धाश्रम में आपने क्यों छोड़ा, आपने क्या पाया, आखिर क्या कारण है, थोड़ा सा बताएं? जी हमारे पास कम से कम आज की डेट में अगर हम सोचें तो हमारे पास 550 के आसपास माताओं की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जिनमें से अभी हमारे पास 180 के आसपास माताएं रह गई हैं, उनमें से हम 250 माताओं का पुनर्वास करा चुके हैं। इसीलिए करवाया है क्योंकि उनके बच्चों को समझाया गया कि आप अपनी माताओं को इस तरह से नहीं रखना चाहिए, वो समझे भी हैं और उन माताओं का पुनर्वास हुआ। अभी भी जो बच्चे आते हैं वो बच्चे कहते हैं कि हम इनको रख नहीं सकते हैं, तो क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास सुविधाएं नहीं है। बट हर बार ऐसा नहीं होता। अगर वही बात आप अगेन मैं आपको कहती हूँ, जब एक माता पिता अपने 5-5 बच्चों को पाल सकते हैं तो एक बच्चा क्या इतने 5 बच्चे भी एक माता पिता को नहीं पाल सकते। कैसी हैं माता जी आप, ठीक हैं? अच्छा लग रहा है, भोजन हो गए? क्या नाम है मैया आपका? मेरा नाम सिया रानी है। आप कहाँ से हैं? हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, रहती पंजाब में थी। हाँ। तो फिर यहाँ आई। यहाँ कैसे आई आप कृष्णा कुटीर में? कृष्णा कुटीर में आई, सब मेरे का आदमी ने दूसरा शादी कर लिया उसने। अच्छा। मेरे बच्चे नहीं हुए। हाँ। तो वो दूसरी शादी करके तो 2 बच्चे को साथ में लेके आए। अच्छा। इसलिए फिर मैं आप अभी यहाँ रहती हैं। हाँ। तो यहाँ आपको कोई असुविधा नहीं, कोई तकलीफ नहीं? अच्छा है। लगता है? हाँ।
तो वो लोग आपके जो परिवार के लोग हैं यहाँ मिलने आते हैं आपसे? यहाँ मेरे कोई नहीं, ससुराल में एक से कोई भी नहीं आया। मेरी बहन है वो गुजरात में रहती है, श्याम सुंदर शर्मा उनका लड़का है, डॉक्टर है, वो ही मुझे यहाँ भेजे उनके ससुराल गोकुल में। अच्छा अच्छा, तो यहाँ जो है मैडम है वो आपको आने जाने देती है? हाँ, कोई रोक टोक नहीं? नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। तो और जैसे वृंदावन में वृद्ध माताएं भिक्षा वृत्ति करती हैं, वो तो आप लोग भी ऐसा कुछ करते हैं क्या? नहीं जी। तो आपको यहाँ कितना पैसा मिलता है? पैसा भी मिलता है? हाँ, 500 रुपया महीना मिलता है। हाँ, खर्चा के लिए। अच्छा, और खाना पीना सब कुछ यहाँ से मिल रहा है। 1000 रुपये भी गवर्नमेंट की तरफ से? अभी अभी और लगा नहीं है, पेंशन हमारा लगा नहीं है। आपका नहीं लगा, बाकी लोगों को मिलते हैं? हाँ, जिनके लगे हुए उनको मिलता है। मिलते हैं। तो आप यहाँ से अपने घर जाना चाहेंगी या यहीं रहना चाहती हैं? कोई आएगा तो मैं चली जाऊंगी, नहीं नहीं आएंगे तो फिर नहीं। यहाँ ठीक लग रहा है? हाँ, आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ आप रह रही हैं, कितने समय से हैं आप यहाँ? मेरे को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया? हाँ, 1.5 साल हो गया मुझे। तो यहाँ किस बात की आपको सुविधा है और असुविधा है, दोनों बताएं। हमको सुविधा वैसे सब सीधे ठीक है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, पर थोड़ा हमारी मैडम तो कर नहीं सकती हैं, पर हाँ, आप लोग थोड़ा पानी की, लाइट की, जो हमारे हाँ लाइट की जरा थोड़ा। अच्छा, लाइट बाकी यहाँ आपको यहाँ अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। हाँ। तो और माताएं जो शहर में रह रही हैं, जो भिक्षावृत्ति भी करती हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो सर, क्या नाम है उनको, तो हम ये कहते हैं जब हम घर में रहते तो क्या हम भीख ही मांगते थे? हम यहाँ पे रहते हैं, हम अपनी घर की तरह रहते हैं यहाँ, जैसे हम अपने घर में रहते हैं, इज्जत से रहो, इज्जत से रहो, खाओ इज्जत से, पहनो इज्जत से रहो, ऐसा चाहते हैं हम। तो आप दर्शन करने? हाँ, बिहारी जी जाते हैं, खूब जाते हैं। घर वाले आपके सब? हाँ, सब कभी कभी आते हैं? नहीं, आते हैं, मिलते हैं। मैं बरसाने की बेटी हूँ। अरे वाह। और राधा कुंड में ससुराल है मेरी, मैंने यहीं की उपज की हूँ, वैसे 50 साल हो गए मुझे दिल्ली रहते रहते। कमी एक चीज का है, हमारे इलाज नहीं हो रहा, दवाई सही से नहीं मिल रहा। अच्छा, ये जो दूसरी माताएं वृद्ध माताएं भिक्षा मांगती हैं, हाँ, तो क्या आप भी जाती हैं भिक्षा मांगने? हमारे लोग के निकलने नहीं देगा तो हम लोग कैसे जाएंगे बताइए? हम तो भिक्षा मांगना ठीक है क्या उनका? ना, हमारे ये अच्छा काम नहीं है। हाँ, भिक्षा मांगने अच्छा काम नहीं है, मना नहीं कर रही। जो दान देता आता है, जब पूरा दान देता, जो दान दे के जाता है, तब तो मैडम हमारे रोक ले, सबके दिलाती है। जब कम लेके आता है तो मैडम आपस कर देती है, बोलता हमारे चाहिए तो सब मैया के चाहिए। अच्छा। हम क्यों भिक्षा करें? इन पे तो टीआरपी आती है, हम क्यों भिक्षा करें? हमें तो मिल रही है, कम ज्यादा ये तो हो रहा है, मगर मिल तो रहा है, हम भूखे नहीं मर रहे हैं, हमें मिल रहा है हर चीज, हम क्यों भिक्षा करने जाए? जब भिक्षा मांगेंगे तो हम यहाँ आश्रम में क्यों रहेंगे? ठोकर खाते तो हम क्यों आते हैं? नहीं, ठोकर खाने हमें आश्रम में रहना आराम से, जो कुछ मिलेगा उसको हम दर्शन करेंगे। हम शर्माती हूँ, बांटने आते हैं, बहुत शर्म महसूस होती है कि मजबूरी में राधा रानी बुला लिया इसलिए हम आ गए। मतलब आप भिक्षा नहीं लेना चाहते? नहीं ना, भिक्षा हमसे दान की चीज लेना पसंद नहीं करते, पर मजबूरी है। जो दान करने वाला बनिया ब्राह्मण सुना रहे ठाकुर, वो दान देने वाले कैसे? हम मजबूरी में देते हैं या ले लेते हैं, हम कोई करता है? एक बात बोलो, नहीं मानेगा ना, हम साल में एक बार तीर्थ करने जाते हैं बाहर, अरे इतने सब मोटा मोटी ठीक है, यानी कुछ नहीं है, शुद्ध एक चीज है, सब हम लोग भजन करते हैं, दुआ पाठ होती है, कि मंदिर बहुत ही बढ़िया, सब के वृंदावन सब के अच्छी है, किंतु कभी कभी हो जाता है सर, इसमें कोई बुरा नहीं। हफ्ते में एक दिन खुलता है हमारा गेट, उधम वृंदावन जाओ, तुम मानो जहाँ घूमने जाओ पूरी लिखा पड़ी होती है, जाते समय और आते समय लिखा पड़ी होती है। एकादशी के दिन हम लोग 11 बजे 10 बजे तक घूमते रह जाते हैं। व्रत करते हैं? मिलता है वो कुछ मत बनाओ तुम। वो क्या नाम है मैया आपका? जय श्री। जय श्री। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं हूँ महाराष्ट्र से। हाँ, लेकिन फिलहाल यहाँ। यहाँ कब से आई हैं? अभी 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीना हुआ है। तो यहाँ का आपको किसी ने बताया था या अपने आप आ गई? बताया है। किसने बताया? हाँ,
हमारे सत्संगी भाई साहब ने उन्होंने बताया है, वहाँ महाराष्ट्र में बताया था। महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र से इलाहाबाद में थी पहले, वहाँ से मुझे पता चला है कि यहाँ रहने की व्यवस्था है। तो आप यहाँ 1.5 महीने से रह रही है, तो यहाँ कैसा लगता है आपको? अच्छा तो लगता है क्योंकि मंदिर बना हुआ है, सत्संग होता है, भजन पूजन होता है। अच्छा, आप क्या और चाहती हैं कि यहाँ और बेहतर हो सके, और माताएं यहाँ आ सकें? क्योंकि जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि यहाँ रहने की व्यवस्था जो है कुल 180 या 90 माताएं हैं, जबकि व्यवस्था 1000 की है, तो काफ़ी खाली पड़ा हुआ है। तो क्या अच्छा हो कि यहाँ माताएं ज़्यादा से ज़्यादा आए? अभी तो आ ही रही, जब से मैं 1.5 महीने से आई हूँ, मेरे सामने शायद 20-15 से लगभग 20 लोग माताएं आ रही। अच्छा, यहाँ आपको पैसा भी मिलता है? नहीं, फिलहाल हमें अभी नहीं मिला है अभी तक, लेकिन और माताओं को खोला है। हाँ, और माताओं को मिलता है। तो आप अपने घर वापस जाना चाहेंगी या यहाँ वृंदावन में ही रहना चाहेंगी? मेरे घर में यदि सब चीज मुझे मिल जाए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ केस चल रही है, तो उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा या कुछ मेरा हिसाब बैठ जाएगा तो मैं वहीं चली जाऊँगी, लेकिन 90% तो इधर यही रहना चाहिए वृंदावन धाम में। हम यहाँ वृंदावन में कृष्णा कुटीर, जो वृंदावन से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें विधवा और सधवा किसी भी तरीके की जो निराश्रित माता हैं उनके रहने की यहाँ व्यवस्था की गई है। सरकार ने यहाँ लगभग 1000 माताओं के रहने की व्यवस्था की, और जैसा कि आज हमने पाया, यहाँ व्यवस्थाएं किसी भी 5-स्टार होटल की तरह हैं। स्विमिंग पूल भी उसमें है, बढ़िया लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं, बेड हैं, सब कुछ है। लेकिन क्या कारण है कि यहाँ माताएं सिर्फ 200 ही हैं? हमने ये पाया कि यहाँ माताओं से ना तो भीख मंगवाई जाती है और ना ही उन्हें अनावश्यक बाजार में घूमने दिया जाता है। माताओं को हफ्ते में एक दिन बुधवार के दिन अवकाश मिलता है, जिसमें वो कहीं भी आ जा सकती हैं, जबकि और बहुत से आश्रम ऐसे हैं जो अनऑथराइज हैं, और उन आश्रमों में जो माताएं रहती हैं वो दिन भर इधर उधर घूमती हैं, भिक्षावृत्ति करती हैं, और उसके बाद उनकी और आश्रम संचालकों की क्या सेटिंग रहती है ये तो ईश्वर जाने। देश में वैसे भी भिक्षावृत्ति पर रोक है, जब इतनी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ हैं सरकार की तरफ से, तो क्या कारण है कि वो माताएं यहाँ नहीं आ पाती हैं? यही कारण है क्योंकि उन माओं को पैसा यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ उतना ही पैसा मिलता है जितना ज़रूरी होता है। जैसा कि हमने पाया कि कुछ माताओं को 1000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन भी मिल रही है और 500 रुपये पॉकेट मनी के रूप में इनको यहाँ मिलते हैं। खाने पीने रहने सोने की सब व्यवस्थाएं ओके हैं, और सरकार यहाँ बेहिसाब पैसा खर्च कर रही है। तो वैसे तो वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए। आज के बच्चों को ये देखना चाहिए कि हम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम क्यों पहुँचा रहे हैं। अगर हम उनके वृद्धाश्रम पहुँचा रहे हैं, उनका बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, तो निश्चित है कि उनके आने वाली पीढ़ी भी उनके साथ वैसा ही सलूक करेगी। वैसे तो वृद्धाश्रम समाज में होने ही नहीं चाहिए। हमें बताया गया कि बिजली की अनुपलब्धता है, क्योंकि रूरल एरिया है, यहाँ बिजली जो है वो 4-5 घंटे ही आती है, इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पाया। तो हम सरकार से या सरकार के नुमाइंदे जो यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं उनसे ये अपील करेंगे कि वो यहाँ इस ओर ध्यान दें। बाकी जो कुछ हमने देखा वो लगभग हमको यहाँ ठीक देखने को मिला है, और हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर उन्हें कोई वृद्ध माता कहीं भिक्षा मांगती हुई दिखती हैं या जहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं, वो इन्हें यहाँ छोड़ के जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात हमने ये देखने को मिली कि इस आश्रम में एक भी बांग्लादेशी महिला नहीं है, क्योंकि यहाँ इनके आधार कार्ड चेक किए जाते हैं, फॉर्म भरवाए जाते हैं, और पूरी इन्वेस्टिगेशन उसके बाद की जाती है। वृंदावन से न्याय टीवी के लिए योगेश शर्मा।